महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव और कई शहरों में पाबंदियां लगने के बाद अब मजदूरों के मन में एक बार फिर उसी पलायन की स्थितियां ताजा हो गई हैं, जिसका दृश्य सभी ने एक साल पहले देखा था। कोरोना वायरस के बढ़ते असर और एक बार फिर महाराष्ट्र के तमाम शहरों में पाबंदियां लगने के बाद अब मुंबई के कई हिस्सों में वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच लॉकडाउन लगने की आशंकाओं में मुंबई के तमाम मजदूर अलग अलग स्टेशनों से अपने घरों की वापसी करने के लिए तैयार हैं। मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ दिखने लगी है। इससे लोगों के मन में यह आशंका है कि लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। मुंबई के लोकमान तिलक टर्मिनस पर शनिवार को एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब तमाम मजदूर ट्रेनों की तलाश में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए। हालांकि कई लोगों ने यह जरूर कहा कि मजदूरों के मन में लॉकडाउन को लेकर आशंका तो है, लेकिन बीते साल की तरह इस साल पलायन जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं देखने को मिल सकती। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन की स्थितियां फिर से बनने लगी हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने यह खुद कहा है कि वो दो दिन में इस पर फैसला ले सकते हैं। महामारी के चलते मुंबई में करीब 600 इमारतों को सील कर दिया गया है। वहीं पुणे शहर में आज शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान ट्रेवल, रेस्टोरेंट में डाइन इन, बार, वीकली मार्केट सभी कुछ बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों और सिनेमा घरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये कहा गया है कि इन्हें अगले 7 दिनों तक बंद रखा जाएगा।